नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, 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 अजमत बड़ी है मदे, अजमत बड़ी है मदे, मुख्तार की मेरे, अजमत बड़ी है मदे, मुख्तार की मेरे, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये अंजुमन है सैयदे, ये अंजुमन है सैयदे, अबरार की मेरे, ये अंजुमन है सैयदे, अबरार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, हर जर्रा है हयात यहाँ कैफो सुरूर में, हर जर्रा है हयात यहाँ कैफो सुरूर में, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है दिलदार की मेरे, रहमत बरस रही है दिलदार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, अजमत बड़ी है मदे, मुख्तार की मेरे, महफिल सजी
हुई है सरकार की मेरे दूर का। ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का। ये अंजुमन है सैयदे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे। दीनवाने तुम्हारा मैं हूँ, मेरी नजर का सलाम ले लो। कमली वाले तुम्हारा दिल है, मेरे जिगर का सलाम ले लो। नजर का सलाम ले लो कमली वाले तुम्हारा दिल है, मेरे जिगर का सलाम भले है आपका या हम बुरे हैं, तुम्हारे दरे में हम सब खड़े भले है आपका या हम बुरे तुम्हारे दरे पे। नजर से नजर मिला कर नजर नजर का सलाम ले लो। वाले तुम्हारा मैं हूँ, मेरी नजर वो कमली वाले तुम्हारा दिल है, मेरे जिगर का सलाम है। नजर रुख से पर्दा जरा हटा कर ये उम्र भर का सलाम ले लो। मदीने वाले तुम्हारा मैं हूँ, मेरी नजर का सलाम ले लो। कमली वाले तुम्हारा दिल है, मेरे जिगर का सलाम ले लो। सुनो जिया से रब नगर के राजा, नगर नगर से मैं से रब नगर के राजा, नगर नगर से मैं आ रहा हूँ तुम्हारे रास्ते का। ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الأحد الله الصمد لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे। महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे,
महफिल सजी हुई है सरकार की, मेरे अजमत बड़ी है मदे, अजमत बड़ी है मदे मुख्तार की, मेरे अजमत बड़ी है मदे मुख्तार की मेरे। ये सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी और मारूफ पीर माबरी कंडायत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत का सफ़रनामा मैं और हमारे एक अजीज़ दोस्त डॉक्टर अब्दुल करीम इमारत वाले इन्होंने तहरीक मुकम्मल किए हैं, और हजरत की पैदाइश से लेकर हजरत के आखिरी आरामगाह तक जो है हमें मुसलसल पूरी तारीख उसमें लिखी गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको शाया किया जाएगा। और हजरत के कई करामतों पर मैं नहीं जाना चाहता, हजरत के दो जो है तालीमात मैं बताना चाहता हूँ। हजरत ने पहली बात जब वो सफ़र गुजरात से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक काफिरों का काफिला आ गया तो उनके मुरीदों ने परेशान हुए, ये कहने लगे कि ये काफी लोग हैं, हम मुख्तसर हैं, इसलिए आप इसलिए कहते। उन्होंने एक ही जुमला उस वक्त ने कहा, शेख हाजिर बूत, ये इतना कहना था कि वो तमाम जो तलवारें थे काफिरों का, वो काफिला जो है अपने आप को जो है हजरत के सामने जो है आप पेश हुए, और ये अल्फाज कहने लगे, हजरत हमको अमान दो, अमान दो, ये अल्फाज उनके ज़बान मुबारक से निकले। हजरत की एक और एक तालीम बात यह है, पहले तो दुनिया में मशहूर नहीं होना, अगर मशहूर हो गए हसर के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी नहीं होना, ये वली कामिल की बात है, ये मेरी ने, ये ऐसे कामिल बुजुर्ग है। कभी जंगजू कई एक आपके बताना चाहता हूँ कि WT अर्नाड जो है बहुत बड़ा स्कॉलर, उन्होंने कई बातें हजरत के ताल्लुक से किए हैं कि दीन इस्लाम उन्होंने कैसा फैलाए। और एक और एक स्कॉलर जहाँ के मेरे पढ़ने के ज़माने में मैं उससे मुलाकात भी हुआ था, उन्होंने ये लिखा कि हजरत जो है जंग किए हैं करके, ये कोई वली जो है कामिल जो है जंग नहीं करता, वह अमान का जो है पैगाम देता है। ये कोई बुजुर्गान दिन में जंग मजबूरी को वो भी जो है करामत भी जो इजहार करते हैं अपने आप के मजबूरी के, जैसा कि एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आजू बाजू के फास्ट रफ्तार में कई ककड़े निकल जाते, वैसे इनके रूहानी सफ़र में मुख्तसर से जो है करामतें बाहर निकलते हैं। और कई गाय का जिक्र है, और जो है यहाँ अमली के दस्त का खून जो है निकला, ऐसे कई करामत, मैं करामतों पर अहमियत नहीं देता, हजरत के तालीमात पर हम देते हैं। अल्लाह का करम है ये ऐसे कामिल बुजुर्ग हैं, जंगजूली बुजुर्ग हैं, सूफीज़म पर जो है अल्लाह ताला जो है कई चीज़ें आपके उनके अलकाब में जो है कई बड़े बड़े स्कॉलर जो है तो जाके आज के 200 साल 150 साल 50 साल 100 साल के स्कॉलरों की बात नहीं बोलूँ, 600 साल के जो है स्कॉलरों के भी इनके अल्फाज के क्या के वो भी मवाद मेरे पास है, बहुत जल्द इंशाल्लाह शाया करेंगे। मैं एक ही अपील करता हूँ कि मेरे जद्याला हैं, मैं उन्हीं का खादिम हूँ, हमारी बिरादरी है और हमारे बिरादरी में इत्तेहाद है। अल्लाह करे अब ये आस्थाने पर मैं ठहर कर दुआ करता हूँ, जितने भी हमारे जो हमारे ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो तमाम लोगों में इत्तेहाद है, और इत्तेहाद होने के लिए मैं हजरत के पास दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला जो है हम इनके ख़ानदान में और कई लोग बड़े आलिम हो, फाजिल हो, दौलत हर फील्ड में जो है बुजुर्ग की औलाद जारी रहने दे, इसलिए मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है इस आस्थाने पर आने का जो मौका मिला, हम खुद नसीब हैं कि जो है इस सरकार ने हमको बुला लिए। एक नहीं, वो बोलते नहीं मैं एकला चलाता कारवां बनतेगा, मेरा जो सफ़र था एकले का था, आज मेरा पूरा कारवां जो है मेरे साथ है, मैं तनहा नहीं हूँ, बल्कि जो है मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता सरकार के दरबार में ठहर कर रहूँ, मुझे कोई आरजू नहीं है, हजरत के पैती के मस्फून की आरजू है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये दुआ मेरी कबूल हो। कोई चीज़ जो है मज़ार में कोई चीज़ आने वाली, बुजुर्ग की निस्बत और हमारा अमाल और हमारे नेक
तमन्नाएं काम और मुझे उम्मीद है सरकार जो है हमारे जिंदगी में जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए इन्हीं के सदके में वो गुनाह भी माफ होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। खास 197 उर्स जो है हजरत का मनाया जा रहा है, ये तहकीक अल्लाह अल्लाह के करम के बाद में ये बुजुर्ग का सदका है। हजरत के पैदाइश से लेकर हजरत के पर्दा तक तमाम गैब से चीज़ें सरकार ने बताए उसे मैं अमल करके एक मजमुआ जो तौर पर जो है कलम बंद किए हैं मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले और मेरे मिलकर मेहनत करके उस जल्द से जल्द शाया करने की कोशिश किए। सरकार से दुआ करते कि अल्लाह वो जल्द आम हुए लोगों में। सिर्फ जो है सरकार पीर माबरी खंडायत रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर हैं। अगर वो आम ही तो बुजुर्ग के अलावा बुजुर्ग की शख्सियत, बुजुर्ग की तालीमात, बुजुर्ग का सफ़रनामा, बुजुर्ग के जो है वाबिस्ता, बुजुर्गों के साथियाँ, बुजुर्ग के मुर्शद, ये तमाम और बुजुर्ग के जो है निस्बत, जिनके औलाद हैं, अगर ये इजहार होगा तो बुजुर्ग का और नाम मशहूर होगा। ये एक ही तमन्ना से जो है मैं बुजुर्ग के पास दरख्वास्त कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और वो अमल करे। मेरे हयाती में अगर उस चीज़ आए, आने वाले मेरे ख़ानदान को एक मैं एक नज़रिया बनाकर एक सफ़रनामा रख कर चले जाऊँगा, इससे और कोई जरिया नहीं है। मैं सिर्फ सरकार के मतपून होने की जगह की नीयत हजरत के दरबार में ठहर बोलूँ, अल्लाह ताला मुझे वो मेरी दुआ कबूल करे, हजरत के 35 जो है मिलने का जगह मिले। इतना ही कहकर मैं आपके जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है हमारे उर्स के मौके पर आए और इंट्री लिए और पैगाम ये दिए कि अल्लाह ताला जो है इत्तेहाद रहने के लिए हम जो है हमारे खानदानों में, मैं एक ही अपील करके यस न्यूज़ का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ इंशाल्लाह। सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये अंजुमन है सैयदे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.